नमस्कार, मैं प्रांशु राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज। महाराष्ट्र की सियासत से आप सभी बखूबी वाकिफ है। किस तरीके से महाराष्ट्र में अब भी घमासान देखने को मिल रहा है, जहां एक तरफ है शिवसेना के प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का गुट और दूसरी ही तरफ है महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का गुट। दोनों ही गुटों में इस वक्त जंग छिड़ी हुई है, सिर्फ और सिर्फ शिवसेना के चुनाव चिन्ह को लेकर। दरअसल अब उद्धव ठाकरे को लगता है कि एकनाथ शिंदे शिवसेना के चुनाव चिन्ह पर अब आगे आने वाले चुनाव को लड़ने वाले हैं। दूसरी ही तरफ एकनाथ शिंदे ने कहा है कि उन्हें चुनाव चिन्ह की आवश्यकता ही नहीं है। जैसा कि आप जानते ही हैं कि 39 विधायकों के साथ मिलकर एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे संग बगावत की और उन बागी विधायकों को अपने खेमे में वापस लाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे और उद्धव की पत्नी रश्मि ठाकरे। अब तक हमने हमारी तमाम रिपोर्ट्स के जरिए उद्धव ठाकरे के परिवार के बारे में बताया है कि कैसे वह बागी विधायकों को अपने खेमे में वापस लाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। आदित्य ठाकरे अपनी पार्टी शिवसेना को मजबूत बनाने में कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं। जो सांसद शिंदे गुट में शामिल हुए हैं उन सांसदों को भी वह वापस लाना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त सुनवाई चल रही है चुनाव चिन्ह को लेकर और इसी बीच डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस एकनाथ शिंदे के साथ मिलकर मंत्रिमंडल पर विस्तार भी कर रहे हैं। ऐसे में देखा जाए महाराष्ट्र की सियासत में कई बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं बीजेपी के समर्थन से जो नई सरकार बनी है उसके बाद से। लेकिन इसी बीच देखा जाए तो महाराष्ट्र नव निर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे और उनके बेटे अमित ठाकरे भी काफी ज्यादा सुर्खियों में बने हुए हैं। अमित ठाकरे के सोशल मीडिया पर तमाम पोस्ट देखने को मिल रहे हैं और ऐसे में देखा जाए तो महाराष्ट्र नव निर्माण विद्यार्थी सेना के अध्यक्ष अमित ठाकरे भी डंके की चोट पर कई बड़े ऐलान करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे कई फैसले ले रहे हैं यहाँ पर वह विद्यार्थियों के लिए जो काबिले तारीफ है। जैसा कि हमने बीती पिछली रिपोर्ट में आपको बताया ही था कि अमित ठाकरे अब जल्द ही नासिक दौरे पर जाएंगे, वहीं उन्होंने राज्य में जो घटनाएं घट रही हैं, छात्राओं के साथ छेड़खानी के मामले सामने आ रहे हैं, उन पर वह एक्शन लेने जा रहे हैं और अब वह नासिक दौरे पर हैं। लेकिन इसी बीच अमित ठाकरे ने अपनी बात रखी है आदित्य ठाकरे और तेजस ठाकरे को लेकर। आज हम बात करेंगे इस रिपोर्ट के जरिए अमित ठाकरे के हाल ही के इंटरव्यू के बारे में कि आखिरकार जिस तरीके से शिंदे गुट ने जो बगावत की है सेना के साथ उद्धव ठाकरे के साथ, उस पर अमित ठाकरे की क्या राय है, अमित ठाकरे ने क्या प्रतिक्रिया दी है। दरअसल एक इंटरव्यू में हाल ही में अमित ठाकरे ने अपनी बात रखी, उन्होंने कहा कि किस तरीके से जो उनके भाई हैं आदित्य ठाकरे जो मैदान में उतरे हुए हैं, एकनाथ शिंदे ने जो बगावत की है उस पर वह क्या कुछ कहना चाहते हैं। दरअसल उन्होंने कहा आदित्य ठाकरे की रैली को ध्यान में रखते हुए कि मैंने शिवसेना में विद्रोह से पहले अपने दौरों की शुरुआत की थी, लेकिन मेरा सवाल आदित्य ठाकरे से है, अगर एकनाथ शिंदे ने बगावत नहीं की होती तो क्या आप दौरा करते? मेरा एक ही सवाल है, हर आगामी चुनाव हमारे लिए काफी मायने रखता है। आने वाले चुनावों में एक सक्षम उम्मीदवार दिया जाए और उसे निर्वाचित करने का प्रयास किया जाए। मैं उन चुनावों में प्रचार करने के लिए तैयार हूँ, मुझे किसी भी चुनाव में बुलाओ, हम जोरदार प्रचार करेंगे। हम अपनी पार्टी के काम और विचारों को हर घर तक पहुंचाएंगे। इस तरीके से अमित ठाकरे ने बात कही, लेकिन वह आगे कहते हैं कि लोग निश्चित रूप से हम पर विश्वास करेंगे और हमारे लोग चुने जाएंगे। हमें हर चुनाव में लड़ना है और जीतना है, तो दिमाग के सैनिकों और काम पर लग जाओ। अमित ठाकरे ने इस तरीके से अपनी पार्टी के लिए ये आह्वान कर दिया है और अब वह 4 दिवसीय नासिक दौरे पर है, जिलों का दौरा करने के लिए वह जा चुके हैं। वहीं ऐसे में अमित ठाकरे से जब पूछा गया तेजस ठाकरे को लेकर सवाल, उनसे पूछा गया कि उद्धव ठाकरे के बेटे तेजस ठाकरे को लेकर अब जो सुर्खियां देखने को मिल रही हैं कि अब उन्हें युवा सेना का अध्यक्ष बनाया जा सकता है, उन्होंने कहा कि तेजस ठाकरे का बहुत बहुत स्वागत है।
अमित ठाकरे कहते हैं कि राजनीति में उनका स्वागत है। फिलहाल देखा जाए आदित्य ठाकरे निष्ठा यात्रा में काफी ज्यादा व्यस्त है। दावा किया जा रहा है कि आदित्य ठाकरे को कार्य अध्यक्ष बनाया जा सकता है और मांग उठ रही है तेजस ठाकरे को लेकर। कहा जा रहा है कि युवा सेना का अध्यक्ष अब उन्हें बनाया जा सकता है। तो दोनों ही भाइयों को लेकर अब अमित ठाकरे ने इस तरीके से अपनी बात को रखा है। आप यहां पर अमित ठाकरे के इस इंटरव्यू को लेकर क्या कुछ कहना चाहते हैं? क्या यहां पर उन्होंने जो सवाल पूछा है आदित्य ठाकरे से, क्या आदित्य ठाकरे इसका जवाब उन्हें देंगे? ये तो वक्त के साथ ही पता चलेगा। फिलहाल हमारी इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।